के बाद हल्का सा पास, मिस पास होता हुआ यहाँ से देखना हुआ बादल के लिए बॉल, बादल से सदानंद के लिए, सदानंद बॉल को बॉल पर कब्जा बनाया है, साथी का मोइना कर रहे हैं, देखना हुआ किस प्लेयर्स के लिए बॉल डाला डाल दिया जाएगा, डी बॉक्स में बॉल को डाला है लेकिन उतने अच्छा हेडर, एक बार बीच में सेंटर लाइन में बॉल, इस बार देखना होगा यहाँ से क्रॉस करना है, ये क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन तेज रफ्तार बॉल को ले जाया गया है, लेकिन वहां पर खराब शॉट आता हुआ, उनके पैर की बाहरी किनारे पर लगता हुआ बॉल, गोल लाइन से बाहर, कोई नुकसान नहीं जो बागान गोड्डा टीम के लिए, गोल किकने का मौका, अच्छा शॉट सेंटर लाइन को पार करता हुआ, लेकिन उतना अच्छा हेडर सदान के द्वारा, इस बार यहां पर उतना अच्छा एक मौका बन सकता है यहाँ पर जो टीम के लिए, लेकिन देखना होगा, और यहाँ पर वाइपर का इस्तेमाल करके बॉल को हवा में झोंका है, एक बार सेंटर लाइन के इर्द गिर्द बॉल के नीचे बादल 11 के लिए, वहां पर 12 मौजूद जो कि विपक्ष टीम, यहाँ पर राक्षस टीम के खिलाड़ी माइनस 5 यार्ड राइट हाफ के लिए, एक बार लंबा शॉट निकला है राइट फॉरवर्ड के लिए, प्ले ऑन का इशारा आ चुका है, यहाँ पर दो खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़े हैं, क्रॉस किया है लेकिन थोड़ा सा अपना संतुलन खो बैठे, अन्यथा ये क्रॉस अच्छा होता, लेकिन अपना संतुलन बिगड़ जाने के कारण गोल पोस्ट से बाहर, एक बार लंबा शॉट टप्पा खाने के बाद हेडर के माध्यम से साथी के लिए 12 के लिए 12 और 11 में मैं देख रहा हूँ कि काफी भिड़ंत है, सीरियली नंबर एक है जोजो बगान टीम की ओर से जैसे 11 और राक्षसों की ओर से जैसे 12, एक बार सदानंद तेजी रफ्तार में बॉल को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि पीछे से कोई खड़ी नहीं ना, तो एक बार यहां पर मिस पास होता हुआ कंट्रोल करना चाहा, बहुत ही उम्दे खिलाड़ी यहां पर तेज रफ्तार बॉल को ले जा रहे हैं, यहां पर लेफ्ट फॉरवर्ड के खिलाड़ी छोड़ देकर दिखा रहे हैं, सदानंद भी कम नहीं है, यहां पर देखना होगा एक ट्रेवल का समांतर पास फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी के लिए, मौका बन सकता है लेकिन मिस पास होता हुआ, इस बार सदानंद उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उसे छीन लिया गया है, और ये बाकी का काम यहां पर डिफेंस लाइन से पूरा किया, एक बार और टच लाइन से बाहर, और थ्रो का मौका राक्षस टीम के लिए, अच्छा थ्रो एक को ट्रेवल किया और यहाँ गार्ड बनाते हुए, लेकिन रॉन्ग गार्ड, बिल्कुल बहुत दूर से गार्ड लेने का प्रयास किया था यहाँ पर जैसे 11 खमियाजा, यहाँ पर फॉल भुगतना पड़ेगा जोजो बगान टीम को, चूंकि इस तरह से आप बहुत दूर से अगर गार्ड लेना गार्ड लेंगे वैसा गार्ड लीजिए जो कि निर्णायक महोदय भी समझ ना सके, और मैं देखा कि यहां से मान से मैंने देखा कि बहुत दूर से गार्ड लिया गया था, जिसके चलते यहां पर जैसे नंबर 10 को दिलाया गया था, और यहां पर चार खिलाड़ी यहां पर टीम के कैप्टन ने दीवार बनाया है, अब चेंजिंग हो रहा है, जर्सी नंबर 9 आउट होंगे जोजो बगान की ओर से, और इसके बदले में जर्सी नंबर 12, देखना होगा किस प्रकार का शॉट आएगा, मोइना कर रहे हैं, डीबॉक्स में डालना चाहेंगे, नेट में डालना चाहेंगे, स्पिन शॉट बिल्कुल यहां पर गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर स्पिन आया था, बॉल स्पिन बड़ा शॉट यहां पर, अगर फर्स्ट टाइम में अगर गोलकीपर अगर पकड़ना चाहे तो ये स्पिन बॉल को थोड़ा सा कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक बार रिजवान कब्जे बॉल हल्का सा पास यहां पर राइट फॉरवर्ड के लिए, टप्पा खाने के बाद दो खिलाड़ी बॉल के पीछे पहुंच पाए कि पहुंचे भी हैं यहां पर, लेकिन यहां पर मौका बन सकता 14 और ये यहां और हिट करना चाहा, वाह वाह बिल्कुल यहां पर अपने आप से नाखुश जर्सी नंबर 12 जो कि बिल्कुल डी बॉक्स में बॉल में आता, थोड़ा सा बॉल और पैर में संपर्क होता तो बिल्कुल यहां पर नेट को फाड़ कर बॉल निकल जाती, और यहां पर गोलकीपर को भी समझ नहीं आता, और जिस तरह से दोनों टीम के खिलाड़ी मैच दिखाया था काफी ताबड़तोड़, दोनों टीम के कैप्टन की ओर से अच्छा खिलाड़ियों का समावेश दिया है, एंट्री दिया है, सिलेक्ट किया गया है, बिल्कुल लंबा शॉट उतना अच्छा हेडर, यहाँ पर पुनः राइट फॉरवर्ड को बॉल मिला जाता जैसे मैं 12 पहने हुए खड़े, उनको पहला मौका एक मौका मिल चुका था लेकिन उसमें सफल नहीं रहा, एक बार पुनः यहाँ पर जैसे मैं 6 के लिए बॉल राक्षसों के कब्जे में, यहाँ पर हिट करना चाहिए, हिट किया है लेकिन वहाँ पर और ये मिस होता हुआ बिल्कुल ऐसे में 12 के द्वारा कंट्रोल करना चाहा, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफेंस लाइन से लंबा शॉट निकालने का प्रयास,
कंट्रोल किया है सेंटर ला फॉरवर्ड लगे खिलाड़ी यहाँ पर जैसे मचा समांतर पास किया राइट फॉरवर्ड के लिए प्ले ऑन का इशारा आ चुका है। और ये देखिए इस बार भी यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर जलजल बगन टीम के खिलाड़ी जैसे 12 जो कि उनको मौका मिला था राइट फॉरवर्ड से आक्रमण बनाने का के लिए, लेकिन उसी तरह यहाँ पर जो राक्षसों की टीम को भी राइट फॉरवर्ड से यहाँ पर आक्रमण बनाने का मौका मिला था लेकिन नाकाम रहे। इकबाल टप्पा खाने के बाद कंट्रोल किया है बॉल हल्का सामान इस पास देखना होगा एक ट्रेवल किया 15 अपने कब्जे में किया पीछा कर रहे हैं क्रॉस आएगा कि नहीं लेकिन अपने कब्जे में बॉल रखा है और एक खतरे के क्षेत्र में बॉल लेकिन टच करके बॉल को टच लाइन से बाहर किया और आउट रन का मौका दिया जो जो बगान एक बार आसान सा और एक बार यहां पर देखना होगा हवा में बॉल डेंजरस जोन में लेकिन वहां पर निकालने में सफल एक बार सदानंद के लिए बॉल सदानंद शॉट किया था लेकिन सदानंद यहां पर चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने नाम एक गोल करें चूंकि उनके नाम जो है 101 रुपये का पुरस्कार रखा गया है और ये प्राइज रखने वाले दर्शक जो कि उनकी चहेता गंगा मरंडी जो कि बुआरियों से बिलोंग करते हैं। एक बार टप्पा खाने के बाद बॉल हल्का सा पास लेकिन वहां पर मिस पास होता है मिस पास एक बार डी बॉक्स के क्षेत्र में बॉल अपने क्षेत्र पर छा रहा है यहां पर हेडर टू हेडर लेकिन वहां पर राइट हाफ आगे निकल आए। एक बार सेकेंड हमला अपील हैंड बॉल का अपील आया था बिल्कुल सही सुनवाई हमारे मुख्य निर्णायक अमित जी का। एक बार बाएं पैर से प्ले ऑन का इशारा कोई खड़ी नहीं होने के कारण यहां पर डिफेंस लाइन